सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जब आप आईआईटी में गए तो सर आईआईटी में आपने सबसे पहली चीज़ क्या सीखी? मैंने जो सबसे पहली चीज़ सीखी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो घटना पर है, मतलब एक घटना हुई मेरे साथ। हमारे वो एक ह्यूमैनिटीज़ में कोर्स था और उस कोर्स में असाइनमेंट देने होते हैं, तो उसके असाइनमेंट मिलते हैं और असाइनमेंट देने होते हैं, और हमारे जो प्रोफेसर थे उन प्रोफेसर को जो असाइनमेंट सबमिट करना होता था उनका जो रूम था वो 6th फ्लोर पे था। तो मैंने जो पहली चीज़ सीखी मैं सबसे बाद में बताऊंगा आपको, पहले कहानी सुना देता ताकि आप में थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे कि क्या हुआ। तो हुआ क्या, एक असाइनमेंट हमें दिया गया ह्यूमैनिटीज़ में, और वो असाइनमेंट हमें जैसे मान लीजिए फ्राइडे को दिन में 12 बजे तक सबमिट करना है, तो 12 बजे के सबमिट करने के हिसाब से हमने पूरा असाइनमेंट करा। 10 नंबर का असाइनमेंट था 100 नंबर के पेपर में, और मैं आईआईटी दिल्ली की मेन बिल्डिंग में पहुंचा। मेन बिल्डिंग में 6th फ्लोर पर उनका ऑफिस था, और 11:30-12 के बीच में मैं पहुंचाऊंगा। उस टाइम पे काफ़ी रश रहता था उस टाइम पर, तो मैं लिफ्ट का इंतजार करता रहा। लिफ्ट काफ़ी रश था तो मैं बैठ नहीं पाया लिफ्ट में, बड़ा कैजुअल था, और मैं जैसे तैसे करके लिफ्ट जब मुझे मिली और मैं सर के पास पहुंचा तो 12:01 हो गए थे, और मैंने सर को दिया कि सर ये मेरा असाइनमेंट, तो उन्होंने बोला कि यू आर लेट, और उन्होंने मेरा असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करा। मैंने ज़िंदगी में पहली सीख सीखी कि कोई भी काम की जो डेडलाइन होती है वो डेडलाइन मीट आउट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो आपका असाइनमेंट है या कोई और काम है। तो टाइम की वैल्यू और टाइम पर कोई भी काम को कंप्लीट करने की वैल्यू मैंने सबसे पहले आईआईटी में जाकर सीखा कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, और ये सीख आज तक मेरे पास है। तो जो बच्चे अभी आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर घटना से एक सीख ले सकते हैं कि जो उन्होंने शेड्यूल बनाया और टाइम सेट करा है उस टाइम पर वो काम करना जरूरी है, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड समय आईटी की या मेडिकल की तैयारी करने का। ऐसा तो है नहीं कि अगले साल जो एग्ज़ाम होना है उसको आप डिले कर देंगे। तो हर काम को टाइम से कंप्लीट करना उनके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो कंप्लीट करेंगे तो उनके जो अचीवमेंट्स होंगे वो बाद में सिलेक्शन में ट्रांसलेट हो जाएंगे। तो बच्चों को मुझे लगता है इस तरह की घटना से ये सीख तो ले ही सकते हैं कि टाइम की बहुत वैल्यू है, और टाइम को हमेशा हर काम को टाइम से कंप्लीट जरूर कर लेना चाहिए।